हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे से होंगे माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई वेलकम यू बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी एस ट्रेनर खान शौकत आज हम अपने मैथमेटिक्स मॉड्यूल का प्रैक्टिस सेट फाइव करेंगे और आज से हम अपने सिलेबस का तीसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस ये इस टॉपिक के रिलेटेड हमारा पार्ट वन रहेगा अगर इससे पहले वाले चार प्रैक्टिस सेट्स आपने अभी तक नहीं देखे हैं यू कैन गो टू द प्ले लिस्ट वहां पर आपको सारे लेक्चर्स एक साथ मिल जाएंगे आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो लेट एस स्टार्ट ओवर डिस्कशन अबाउट ओवर क्वेश्चन नंबर वन एन एथलीट रंस टू हंड्रेड मीटर इन ट्वेंटी फोर सेकेंड्स हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इज एक एथलीट 200 मीटर रेस करता है 24 फोर सेकेंड्स में आपको बताना है कि इसकी स्पीड क्या है लेकिन स्पीड आपको निकालनी है किलोमीटर पर आवर में ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है अगर आपको कभी भी किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकेंड में तो आप इसको मल्टीप्लाई करते हो फाइव बाई एटीन से एज इट इज़ आप ये पॉइंट याद रख लेना और अगर आपको कभी भी मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट करना होगा किलोमीटर पर आवर में तो इस टाइम पे आप मल्टीप्लाई करते हो 18 बाई फाइव से ठीक है अब ये आया कहां से ये भी मैं आपको बता देता हूं अगर मैं एक किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलूंगा इसका मतलब हो गया एक किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं थाउजेंड मीटर्स और एक आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं थर्टी सिक्स हंड्रेड आप इसको कैंसिल कर सकते हो यह आ जाएगा टू फाइव ज़ार टेन एंड टू एटीन ज़ार थर्टी सिक्स सो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है फाइव बाई एटीन डैट इज़ वाई आई टोल्ड यू अगर आपको किलोमीटर पर आवर कभी भी कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में आप मल्टीप्लाई करते हो फाइव बाई एटीन से अब हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस देखे हैं बराबर टू हंड्रेड मीटर एग्जामिनेशन में आपको ये सारी चीज़ें लिखनी नहीं है आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है टाइम दिया गया है बराबर ट्वेंटी फोर सेकेंड्स अब आपको यहाँ पे स्पीड निकालनी है आई होप स्पीड की फार्मूला आपको पता होगी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एस का वैल्यू विल बी इक्वल टू डिस्टेंस दे के हैं बराबर टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर सेकेंड्स ये यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में क्योंकि हमें डिस्टेंस दे के हैं मीटर में और टाइम दे के हैं सेकेंड्स में अब अगर मुझे इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको क्या करूँगा अभी मैंने आपको बताया मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा एटीन बाई फाइव से ठीक है अब आप यहां पे इसको कैंसिलेशन कर सकते हो ये आ जाएगा सिक्स थ्री जार एटीन एंड सिक्स फोर जार फाइव वन जार फाइव फोर्टी जार फिर से फोर वन जार फोर फोर टेन जार सो एस इज इक्वल टू टेन थ्री जार कितना हो गया थर्टी सो so, इस एथलीट की जो स्पीड है दैट इज थर्टी किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू के बारे में अ कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ सिक्सटी किलोमीटर पर आवर एंड टेक्स फिफ्टीन आवर्स टू कंप्लीट अ जर्नी वट विल बी द टाइम टेकन टू कंप्लीट द सेम जर्नी बाय अ ट्रेन हु स्पीड इज नाइंटी किलोमीटर पर आवर एक कार सिक्सटी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और इसको एक जर्नी कंप्लीट करने में फिफ्टीन आवर्स का टाइम लग रहा है अब अगर ट्रेन भी सेम जर्नी कवर करना चाहेगी नाइन्टी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो उसको कितना टाइम लगेगा तो हमें यहाँ पे स्पीड देखे हैं बराबर 60 किलोमीटर पर आवर मैं पहले कार की बात कर रहा हूँ और टाइम देखे हैं बराबर 15 आवर्स मैं यहाँ पे सबसे पहले डिस्टेंस निकालूंगा वी नो दैट स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँगा डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा स्पीड इंटू टाइम सो डिस्टेंस यहाँ पे किसके बराबर आ जाएगा स्पीड है सिक्सटी इंटू टाइम क्या लग रहा है फिफ्टीन आवर्स दिस विल इक्वल टू नाइन किलोमीटर तो टोटल डिस्टेंस हमें यहां पे पता चल गई टोटल डिस्टेंस जो जर्नी की है दैट इज 900 किलोमीटर अब आपको बताना है कि ट्रेन को ये 900 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा और उसकी स्पीड भी हमें देखे हैं बराबर 90 किलोमीटर पर आर फिर से सेम फॉर्मूला आपको बार बार एग्जामिनेशन में फॉर्मूला नहीं लिखनी है समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं स्पीड इज इक्वल टू तो डिस्टेंस अपॉन टाइम तो फिर मुझे अभी क्या निकालना है टाइम तो टाइम किसके बराबर आ जाएगा टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड डिस्टेंस कितनी है 900 किलोमीटर और स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर आप इसको कैंसिलेशन कर लेना आपका आंसर आ जाएगा बराबर 10 सो so, ट्रेन को ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा 10 आवर्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं ए एंड बी ट्रेवल द सेम डिस्टेंस एट नाइन किलोमीटर पर आवर एंड ट्वेल्व किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली इफ एट एक्स इलेवन मिनट्स लॉन्गर देन बी दट डिस्टेंस ट्रेवलड बाई ईट इज यहां पर दो पर्सनस की बात हो रही है ए एंड बी ए की स्पीड हमें देखे हैं बराबर एस वन इज इक्वल टू नाइन किलोमीटर पर आवर और बी की स्पीड भी हमें देखे हैं बराबर लेट दैट स्पीड बी एस टू दैट इज इक्वल टू ट्वेल्व किलोमीटर पर आवर ठीक है और ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में ए को कुछ टाइम लगा होगा लेट द टाइम बी टी वन एंड लेट द टाइम टेकन बाय बी टू कवर द डिस्टेंस बी टी टू और क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे सेम है तो दोनों के केसेस में डिस्टेंस का वैल्यू मैं यहाँ पे क्या लूंगा डी फिर क्वेश्चन में एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें दे के हैं टेक्स एलेवन मिनट्स लॉन्गर देन बी क्योंकि ए की स्पीड कम है तो ऑब्वियसली ए को डिस्टेंस कवर करने में ज़्यादा टाइम लगा होगा और कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है अलेवन मिनट्स इसका मतलब यह है जो बड़ा जो बड़ा वाला टाइम है यहां पे टी वन अगर मैं इसमें से टी टू माइनस करूंगा वो किसके बराबर आ रहा है अलेवन मिनट्स हमें इतना पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम अगर मैं इसको टाइम के लिए सॉल्व करूंगा टाइम किसके बराबर आता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड तो टी वन के बदले यहां पे मैं क्या लिख सकता हूँ डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड स्पीड कितनी है नाइन क्योंकि टी वन किस टाइम है ए का टाइम ए की डिस्टेंस कितनी है डी और ए की स्पीड कितनी है नाइन माइनस डी डिवाइडेड बाई टूवेल्व सेम पैटर्न पे इज इक्वल टू क्योंकि ये यह यहां पे इलेवन मिनट्स आ रहा है अगर मैं इसको आर्स में कन्वर्ट करूंगा तो डिवाइड बाई क्या आ जाएगा यहाँ पे सिक्सटी अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो दिस विल बी टूवेल्व डी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद माइनस नाइन डी डिवाइडेड बाई नाइन इंटू इज इक्वल टू इलेवन डिवाइडेड बाई सिक्सटी अब एक और स्टेप हम यहां पे इसको अप्लाई कर सकते हैं थ्री यहाँ पे बचेगा ट्वेल्व डी माइनस नाइन डी करेंगे तो थ्री डी आ जाएगा इज इक्वल टू अलेवन इंटू नाइन इंटू डिवाइडेड बाई सिक्सटी अब ये थ्री जो है यहाँ से मल्टीप्लाई आ रहा है इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे डिवाइड में ले सकता हूँ बिल्कुल ले सकते हैं अब सिंपली क्रॉस मल्टी कैंसिलेशन करनी है थ्री वन जार थ्री 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 जार नाइन ट्वेल्व वन जार एंड ट्वेल्व फाइव सो डी का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है ऊपर बचा अलेवन इन थ्री दैट इज थर्टी थ्री डिवाइडेड बाई नीचे बचा फाइव सो दिस इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट सिक्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन सी आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक और मेथड है मैं आपको वो भी यहां पे बता देता हूं दैट इज फार्मूला बेस्ड मेथड वो फार्मूला भी आप अपनी जगह याद रख लेना बिकॉज उससे आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हैं और वो फार्मूला क्या है एस वन इन टू एस टू इज वल टू डी फिर मॉडुलस ऑफ एस टू माइनस एस वन डिवाइड बाई टी वन माइनस टी टू ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है इससे आपके डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं अगर मैं इस क्वेश्चन पे ये फार्मूला अप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा एस वन हमने क्या लिया था स्पीड ऑफ ए की स्पीड कितनी है नाइन बी की स्पीड कितनी है ट्वेल्व इज इक्वल टू डी का वैल्यू हमें नहीं पता है एस टू माइनस एस वन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा वो थ्री के बराबर आ जाएगा डिवाइडेड बाई टी वन माइनस टी टू दोनों में टाइम डिफरेंस क्या आ रही है अलेवन मिनट्स तो अगर मैं इसको डिवाइड बाई लिखूंगा इस तरीके से अलेवन मिनट्स के बारे में क्या लिख सकता हूँ अलेवन डिवाइडेड बाई सिक्सटी ऐसा कुछ लिख सकते हैं सो दिस विल बी नाइन इंटू टूल्व डिवाइडेड बाई थ्री डिवाइडेड बाई थ्री इज इक्वल टू डी डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूंगा दिस विल बी सिक्सटी अपॉन अलेवन सो so डी के लिए अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा नाइन इंटू टू अलेवन डिवाइडेड बाई सिक्सटी इंटू थ्री इज इक्वल टू डी सेम एक्सप्रेशन हमें निकली जो इससे पहले हमें निकला था थ्री वन हजार थ्री थ्री हजार ट्वेल्व वन हजार एंड ट्वेल्व फाइव हजार फिर से ऊपर क्या बचा थर्टी थ्री और डिवाइड में क्या आ गया फाइव तो यहां से भी आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा सिक्स पॉइंट सिक्स अब आपकी मर्जी है आप पहला मेथड यूज करना चाहते हो दूसरा मेथड यूज करना चाहते हो आप किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बंबई एक्सप्रेस लेफ्ट डेली फॉर बंबई एट फोर्टीन थर्टी पी एम ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ सिक्सटी किलोमीटर पर आवर डेल्ही से एक ट्रेन निकल रही है कौन सी ट्रेन बम्बई एक्सप्रेस कितने बजे निकल रही है फोर्टीन थर्टी पे इसका मतलब हो गया ढाई बजे और किस स्पीड से निकल रही है सिक्सटी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है उसके बाद क्या हो रहा है राजधानी एक्सप्रेस लेफ्ट दिल्ली फॉर बंबई एक और ट्रेन निकल रही है दिल्ली से सेम डेस्टिनेशन इसकी भी है बंबई ऑन द सेम डे एट 16:30 पीएम लेकिन यह ट्रेन कितने बजे निकल रही है 16:30 पीएम पे मतलब हो गया साढ़े चार बजे और किस स्पीड से ये ट्रैवल कर रही है ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड देखे हैं हमें 80 किलोमीटर पर आवर तो ऑब्वियसली राजधानी एक्सप्रेस जो है इसकी स्पीड ज्यादा है एज कम्पेयर टू द बॉम्बे एक्सप्रेस तो ये कुछ डिस्टेंस के बाद बॉम्बे एक्सप्रेस को मीट करेगी और उसको पीछे छोड़ेगी आपको बताना है हाउ फार फ्रॉम डेली विल टू ट्रेन मीट आपको बताना है कि डेली से कितनी डिस्टेंस के बाद ये दो ट्रेन आपस में मीट करेंगे एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी बताया एक फॉर्मूला मैंने आपको बताई एस वन इंटू एस टू इज इक्वल टू डी एस टू माइनस एस वन डिवाइडेड बाई टी वन माइनस टी टू यही फॉर्मूला हम यहां पे यूज करेंगे आप देखोगे काफी फास्टली इसका आंसर आ जाएगा एस वन एस टू क्या है दीज आर द टू स्पीड एक स्पीड क्या है सिक्सटी किलोमीटर पर आवर और दूसरी स्पीड क्या है एट्टी किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू डी का वैल्यू हमें नहीं पता है और एस टू माइनस एस वन अगर हम करेंगे एस टू का वैल्यू क्या है एटी इसमें से अगर हम सिक्सटी माइनस करेंगे तो क्या बचेगा ट्वेंटी डिवाइडेड बाई टी वन माइनस टी टू दो ट्रेन के बीच में टाइम गैप कितना है एक ढाई बजे निकल रही है और दूसरी साढ़े चार बजे निकल रही है तो टाइम गैप यहाँ पे क्या आ रहा है दो घंटे का तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ डिवाइड बाई टू हमें डिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा कैंसिलेशन हम यहीं पे कर सकते हैं टू वन जार टू टू टेन जार सो डी विल बी इक्वल टू सिक्सटी इंटू एटी टेन यहां से डिवाइड हो जाएगा तो ये और ये आपस में कैंसिल एट सिक्स हजार हो गया फोर्टी एट और साथ में जीरो आ रहा है सो so इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन सी और ये वाला क्वेश्चन वी एलडब्ल्यू के पेपर में पूछा गया था आप यहां पे देख पा रहे होंगे एक बड़ा सा क्वेश्चन दो ही स्टेप्स में यहां पे सॉल्व हो रहा है एंड आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव के बारे में अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ हंड्रेड किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ सिक्सटी किलोमीटर पर आवर एंड अनदर टू हंड्रेड किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ सेवेंटी फाइव किलोमीटर पर आवर वॉट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन को पहले समझो और बाद में हम सॉल्व करेंगे इसको एक कार हंड्रेड किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है किस स्पीड पे सिक्सटी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फिर रिमेनिंग टू हंड्रेड किलोमीटर डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रही है एट अ स्पीड ऑफ सेवेंटी फाइव किलोमीटर पर आवर आपको बताना है इस कार की एवरेज स्पीड क्या होगी एवरेज स्पीड के लिए आप एक फार्मूला याद रखोगे काफी बेसिक सी फार्मूला है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टोटल टाइम आप टोटल डिस्टेंस तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो क्योंकि यहां पे पहले 100 किलोमीटर है और फिर 200 किलोमीटर है तो टोटल डिस्टेंस क्या बन जाएगी यहाँ पे 300 किलोमीटर लेकिन टोटल टाइम के रिलेटेड हमें यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो टोटल टाइम हम किस तरीके से निकाल सकते हैं ये 100 किलोमीटर कवर करने में इसको कुछ टाइम लगा होगा लेट दैट टाइम बी टी और ये टू किलोमीटर भी इसको कवर करने में कुछ टाइम लगा होगा लेट दैट टाइम बी टी अब हमें इतना पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर मैं इसको टाइम के लिए सोलू करूंगा टाइम किसके बराबर होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड देखो टी वन का वैल्यू आप मैं आराम से निकाल सकता हूँ किस तरीके से डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके डिस्टेंस भी देखे हैं और स्पीड भी देखे हैं टी टू का भी वैल्यू मैं इसी पैटर्न पे निकाल सकता हूँ डिस्टेंस भी देखे हैं और स्पीड भी देखे हैं तो चलो पहले हम टी वन और टी टू का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इफ आई टॉक अबाउट टी वन क्या आ जाएगा डिस्टेंस है हंड्रेड किलोमीटर डिवाइडेड बाई स्पीड क्या है सिक्सटी किलोमीटर पर आवर सो दिस विल बी इक्वल टू जीरो जीरो कैंसिल टेन डिवाइडेड बाई सिक्स कैंसिलेशन करने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा फाइव डिवाइडेड बाई थ्री सेम पैटर्न पे अगर मैं टी टू का वैल्यू निकालूंगा टी टू विल बी इक्वल टू डिस्टेंस क्या है टू हंड्रेड किलोमीटर डिवाइडेड बाई स्पीड है सेवेंटी फाइव किलोमीटर फिर से कैंसिलेशन हो सकती है ट्वेंटी फाइव थ्री हजार एंड ट्वेंटी फाइव एट हजार तो टी टू का वैल्यू भी हमें यहाँ पे मिल चुका है एट डिवाइडेड बाई थ्री तो टोटल टाइम की अगर मैं यहां पे बात करूंगा टोटल टाइम वो किसके बराबर होगा टी वन प्लस टी टू टी वन प्लस टी टू टी वन का वैल्यू क्या है फाइव बाई थ्री और टी टू का वैल्यू क्या है एट बाई थ्री दिस विल बी इक्वल टू बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड थर्टीन डिवाइडेड बाई थ्री तो टोटल तो टाइम भी हमें मिल चुका है और टोटल डिस्टेंस तो हमें ऑलरेडी पता है तो अब अगर मैं एवरेज स्पीड यहां पे निकालूंगा एवरेज स्पीड किसके बराबर आ जाएगा टोटल डिस्टेंस कितनी है थ्री हंड्रेड किलोमीटर डिवाइडेड बाई टोटल स्पीड कितनी है थर्टीन डिवाइडेड बाई थ्री फर्दर एक स्टेप सॉल्व करेंगे दिस विल बी थ्री हंड्रेड इन टू थ्री डिवाइडेड बाई थर्टीन दिस विल इक्वल टू नाइन हंड्रेड डिवाइडेड बाई थर्टीन आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा बराबर सिक्सटी नाइन पॉइंट टू सिक्सटी नाइन पॉइंट टू इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए आप वैसे कर भी सकते हो यहाँ पे ये डिवीजन uh, आप कर लेना थर्टीन सिक्स हजार अगर आप करोगे दैट विल बी इक्वल टू सेवेंटी एट यहाँ से ट्वेल्व आ जाएगा फिर जीरो फिर आप नाइन हजार कर सकते हो दिस विल बी इक्वल टू वन हंड्रेड सेवनटीन यहाँ पे थ्री आ जाएगा पॉइंट यहाँ पे जीरो फिर टू हजार तो आपका आंसर क्या बन रहा है यहाँ पे सिक्सटी नाइन पॉइंट टू आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स के बारे में अकार covers one fourth of a distance at a speed of 100 km per hour half of the remaining distance at a speed of 60 km per hour and remaining distance at a speed of 100 km per hour if the total time taken to complete the journey is 10 hours then what is the average speed of the car अच्छे खासे लेवल का क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन क्लास फोर्थ के पेपर में पूछा गया था पहले समझो क्वेश्चन को और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे एक डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है वो डिस्टेंस क्या है वो हमें नहीं पता है लेट द डिस्टेंस भी एक्स किलोमीटर फिर पहला स्टेटमेंट इस क्वेश्चन का हमें क्या बताया जा रहा है वन बाई फोर्थ ऑफ द डिस्टेंस वन बाई फोर का मतलब हो गया ट्वेंटी फाइव परसेंट यानी कि एक्स के अगर हम चार हिस्से करेंगे उतनी डिस्टेंस कवर की जा रही है एट अ स्पीड ऑफ हंड्रेड किलोमीटर पर आवर तो ये वाली डिस्टेंस जो यहां पर होगी ये कितनी होगी एक्स बाई फोर किस स्पीड से इसको कवर किया जा रहा है हंड्रेड किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फिर हाफ ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ सिक्सटी किलोमीटर पर आवर जो यहां पे ये बाकी डिस्टेंस बची बाकी डिस्टेंस यहां पे कितनी बची ट्वेंटी फाइव परसेंट तो हमने कवर कर ली बाकी क्या बचा यहां पे सेवेंटी फाइव परसेंट सेवेंटी फाइव परसेंट के बारे में देख सकता हूं डिवाइडेड बाई हंड्रेड ऑफ एक्स तो अगर आप ये सॉल्व करोगे दिस विल बी थ्री एक्स डिडेड बाई फोर तो रिमेनिंग डिस्टेंस अभी कितनी है थ्री एक्स डिवाइडेड बाई फोर और इस थ्री एक्स डिवाइडेड बाई फोर का हाफ मीन्स दैट हाफ ऑफ थ्री एक्स बाई फोर इतनी डिस्टेंस कवर की जा रही है एट अ स्पीड ऑफ सिक्सटी किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग डिस्टेंस रिमेनिंग डिस्टेंस अभी कितनी बचेगी फिर से हाफ ऑफ थ्री एक्स बाई फोर इतनी डिस्टेंस कवर की जा रही है एट अ स्पीड ऑफ हंड्रेड किलोमीटर पर आवर आई होप यहां तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा फिर आपको बताना है इस कार की एवरेज स्पीड क्या है मैं इसको पहले यहां पे थोड़ा सा रब कर लेता हूं अब अगर मैं यहां पे ये थोड़ा सा सॉल्व करूंगा ये क्या आ जाएगा इसकी मैं बात कर रहा हूं ये यहां पे किसके बराबर आ जाएगा थ्री एक्स डिवाइडेड बाई एट और ये वाली डिस्टेंस यहां पे कितनी आ जाएगी थ्री एक्स डिवाइडेड बाई एट अगेन ठीक है और यहां पे ये डिस्टेंस कवर करने में इसको कुछ टाइम लगा होगा लेट दैट टाइम बी टी वन डिस्टेंस कवर करने में इसको कुछ टाइम लगा होगा लेट दैट टाइम बी टी टू और ये वाली डिस्टेंस इसको कवर करने में कुछ टाइम लगा होगा लेट दैट टाइम बी टी थ्री ठीक है और फिर हमें क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है टोटल टाइम इसको क्या लग रहा है दस घंटे मीन्स दैट अगर मैं टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री करूंगा वो किसके बराबर आ रहा है टेन आवर्स के बराबर ठीक है तो टाइम हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम

थ्री एक्स डिवाइडेड बाई एट जो मैंने इससे पहले आपको बताया और स्पीड क्या है हंड्रेड किलोमीटर पर आवर इसको आपको सॉल्व करना है और ये किसके बराबर आ रहा है टेन के ठीक है आप इसको प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हो सो so, अगर मैं एक और स्टेप यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा दिस विल बी एक्स डिवाइडेड बाई फोर हंड्रेड प्लस यहाँ पे कैंसिलेशन की जा सकती है थ्री वन जार और ये ट्वेंटी जार कटेगा सो दिस विल बी एक्स डिवाइडेड बाई वन सिक्सटी प्लस यहाँ पे ये यह आ जाएगा थ्री एक्स डिवाइडेड बाई एट हंड्रेड इज इक्वल टू टेन फिर एल सी एम यहां पर निकाला जा सकता है एल सी एम इसका निकलेगा एट हंड्रेड तो ऊपर क्या बचेगा फोर हंड्रेड टू साथ में एक्स है दैट इज टू एक्स प्लस वन सिक्सटी फाइव तो यहां पर आ जाएगा फाइव एक्स एट हंड्रेड वन और लेकिन यहां पर ऑलरेडी थ्री एक्स है तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इज इक्वल टू टेन आई होप एल सी एम निकालना आपको आता होगा और वैसे भी हमें एक चैप्टर पढ़ना है एच सी एफ एल सी एम उस टाइम पर आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा सो so, फर्दर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा ये क्या आ जाएगा टू एक्स प्लस फाइव एक्स हो गया सेवन एक्स प्लस थ्री एक्स करेंगे तो टेन एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू टेन एट हंड्रेड सो एक्स का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा तो टेन यहां से डिवाइड हो जाएगा टेन और टेन आपस में कैंसल सो एक्स का वैल्यू क्या निकला यहाँ पे एट हंड्रेड तो टोटल डिस्टेंस हमें निकली यहां पे बराबर एट हंड्रेड के लेकिन हमें टोटल डिस्टेंस नहीं निकालनी है हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड किस तरीके से निकाला जा सकता है एवरेज स्पीड होता है बराबर टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस क्या निकली अभी एट हंड्रेड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टोटल टाइम हमें क्वेश्चन में दिया गया है कितना लग रहा है इसको दस घंटे जीरो से जीरो कैंसिल दिस विल बी इक्वल टू एटी सो एवरेज स्पीड क्या रहेगी एट्टी किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है मैं मान सकता हूं बट सोल्व किया जा सकता है ऐसे क्वेश्चंस आपको स्टार्टिंग में इग्नोर करने हैं और लास्ट पे अगर आपका टाइम बच जाएगा एग्जामिनेशन में तब जाके ऐसे क्वेश्चंस को आप अटैम्प्ट कर सकते हो लेट अस नाउ टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर सेवन टू ट्रेन रनिंग टूवर्ड्स ईच अदर एट अ स्पीड ऑफ फिफ्टी किलोमीटर पर आवर एंड सिक्सटी किलोमीटर पर आवर फ्रॉम स्टेशन ए एंड बी दो स्टेशन की यहां पर बात हो रही है एक स्टेशन है ए और दूसरा स्टेशन है बी दो स्टेशन से दो ट्रेन निकल रही हैं टूवर्ड्स each अदर यानी कि यहाँ से एक ट्रेन निकल रही है और यहाँ से दूसरी ट्रेन निकल रही है और स्पीड भी क्या देखे हैं पहली ट्रेन की स्पीड है फिफ्टी किलोमीटर पर आवर और सेकेंड ट्रेन की स्पीड क्या है सिक्सटी किलोमीटर पर और. उसके बाद वेन टू ट्रेन मीट ईच अदर ये दो ट्रेन जब आपस में मीट करते हैं सेकेंड ट्रेन कवर्ड वन ट्वेंटी किलोमीटर मोर देन the ट्रेन सेकेंड ट्रेन ने वन ट्वेंटी किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर कर ली है एज कंपेयर टू द फर्स्ट ट्रेन ऐसा क्यों हो रहा है बिकॉज सेकेंड ट्रेन की स्पीड ज्यादा है तो लेट दिस बी द पॉइंट जहां पे ये मीट कर रहे हैं तो हमें नहीं पता है कि पहली ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट ट्रेन बी एक्स किलोमीटर तो फिर सेकेंड ट्रेन की डिस्टेंस कितनी होगी एक्स प्लस वन ट्वेंटी क्योंकि सेकेंड ट्रेन वन ट्वेंटी किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है फिर आपको बताना है ए और बी स्टेशन के बीच में कितनी डिस्टेंस है ठीक है एक और कॉन्सेप्ट आप यहां पे याद रखोगे जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में दिखेगा जिसमें मीटिंग पॉइंट की बात हो रही होगी जिसमें मीटिंग पॉइंट की बात हो रही होगी तो उस टाइम पे आपको याद रखना है जितना टाइम ए को यहां से यहां तक चलने में लगा होगा उतना ही टाइम दूसरी ट्रेन को यहां से यहां तक चलने में लगा होगा इसका क्या मतलब है टाइम टेकन बाय द फर्स्ट ट्रेन विल बी इक्वल टू द टाइम टेकन बाय द सेकंड ट्रेन अब आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर टाइम के लिए सॉल्व करेंगे दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये चीज आपको एग्जामिनेशन में लिखना नहीं है मैं समझाने के लिए आपको यहां पे बता रहा हूं ये तो t1 का वैल्यू किसके बराबर होगा पहले ट्रेन की डिस्टेंस कितनी है x किलोमीटर डिवाइडेड बाय पहली ट्रेन की स्पीड क्या है 50 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू सेकंड ट्रेन की डिस्टेंस क्या है x प्लस वन डिवाइडेड बाय स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर सो so, आप इसको सॉल्व कर लेना दिस विल बी 60x इज इक्वल टू फिफ्टी एक्स प्लस ये बन जाएगा आपका सिक्स थाउजेंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद सो टेन एक्स विल बी इक्वल टू सिक्स थाउजेंड ठीक है तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स विल बी इक्वल टू सिक्स हंड्रेड एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है सिक्स हंड्रेड अब आप बोलोगे ये तो आंसर में है ही नहीं कहीं पर बट अगर आप इस तरीके से इसको सोच रहे हो तो आप गलती कर रहे हो गलती क्या कर रहे हो आप हमें क्या करना है हमें ए और बी स्टेशन के बीच में डिस्टेंस निकाली है एक्स क्या है ये वाली डिस्टेंस एक्स है ये वाली डिस्टेंस तो टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूंगा टोटल डिस्टेंस किसके बराबर होगा एक्स वाली डिस्टेंस जो कि पहली ट्रेन ने कवर कर ली प्लस एक्स प्लस वन ट्वेंटी जो कि सेकेंड ट्रेन ने कवर कर ली है एक्स का वैल्यू क्या है सिक्स हंड्रेड प्लस सिक्स हंड्रेड प्लस वन ट्वेंटी दिस विल बी इक्वल टू थर्टीन हंड्रेड ट्वेंटी सो so, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन डी आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आई थिंक आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे बाकी जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं इनको हम सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे और सेकेंड पार्ट में हम रिलेटिव स्पीड के बारे में एमसी करेंगे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे इन केस कहीं पे कोई भी डाउट आता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हो वीडियो को एंड करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ गुड बाय